सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा ब्रीफ पंजाब चैनल विच। दोस्तों, असी हर रोज़ सोशल मीडिया उत्ते कोई ना कोई अजिही वीडियो देखते हाँ जिस विच कहा जाता है कि पंजाबी बोली खत्म हो रही है, पंजाबी लोगों को बोलनी चाहिए है, पंजाब के लोग पंजाबी बोली छड़ के होर भाषावां हिंदी अंग्रेजी वालों भज रहे हैं। पर की सानू पता है कि पंजाबी बोली बनी किवें सी, इस समय के नाल कितनी बदली है, पंजाबी विच सब तो पहला कौन किताब लिखी गई सी, कि अज पंजाबी नू कोई खतरा है जां सचमुच ही पंजाबी बोलन वाले लोग दुनिया उत्ते घट रहे हैं, जां संस्कृत जां होर भाषावां वांग पंजाबी भी हौली हौली खत्म हो जाएगी। इन्हां सारे सवालों के जवाब तुहानू असी इस अज दी वीडियो विच देवांगे। सो कृपा करके अपनी माँ बोली दे नाल प्यार करने वाले लोग ये वीडियो जरूर देखण, सब नूं बेनती है कि वीडियो पूरी सुन तो बाद अगे शेयर जरूर कर दिओ। हुण आपां वीडियो अगे शुरू करदे हाँ। पंजाबी भाषा बारे जानकारी लैण लई असीं पंजाबी भाषा के दो माहर पंजाबी यूनिवर्सिटी के भाषा विज्ञान के साबका मुखी डॉक्टर जोगा सिंह अते मानववादी भाषावां के माहर डॉक्टर बूटा सिंह बराड़ वल्लों लिखिया कुछ किताबों में पंजाबी का इतिहास जानने की इस नाल जुड़े तत्थ जानने की कोशिश की है जो तुहाडे नाल हुण सांझे कर रहे हैं। डॉक्टर बूटा सिंह बराड़ मुताबक पंजाबी बोली का मूल संस्कृत नहीं बल्कि पाक पाकृत है जो मुढ़ तो इत्थे वसदे लोगों की बोलचाल की भाषा सी। डॉक्टर जोगा सिंह ने यह भी दस्या कि जदों तो पंजाब की यह धरती है उदों तो ही पंजाबी का बोल है। उन्हें कहा कि वख-वख नस्लां वख-वख कबीले अते वख-वख कौमां जिवें जिवें पंजाब विच आए उन्होंने पंजाबी का होर ना भाषा विच मिश्रण कर दिता, पर जिहड़ी मूल रूप विच इत्थों दी भाषा है उह स्थानक भाषा पंजाबी ही है। पर इत्थे सवाल यह भी है कि पंजाबी किस खिते तों जन्मी, पंजाबी तों पहलां उस खिते दे लोग किस बोली विच संवाद करदे सन। पंजाबी का जन्म सप्त सिद्धू दे इलाके तों होया है, उस वेले इस बोली नूं सप्त सिद्ध भी कहा जांदा सी। भारत दीआं सारीआं भाषावां ही ब्रह्मी लिपि तों जन्मियां हन। लंडा सिंध मात्रिक नागरी शारदा टाकरी महाजरी लिपि है। असी कह सकते हैं कि लंडे तो अज भी गुरमुखी का मुढ़ बजिया है। मौजूदा समय में पंजाबी दीआं दो लिपियां हन, शाहमुखी अते गुरमुखी। इन्हां विच अक्षरां दी बणतर दा फर्क है। शाहमुखी एक वक्री लिपि सी, उसका यह नहीं कि गुरमुखी नाल उसका कोई रिश्ता नहीं। बहुत पहला दसिया है कि फनीशियन लिपि तो ही सारिया लिपियां ब्रह्मी नाल मिलकर जन्मिया हैं, पर उन्हां दी विथ हो गई। भारत में लिपियां ते भाषावां नूं धार्मिक रंगत दे दित्ती गई, तां जिहड़े इस्लामी विचार वाले सन उन्हां ने शाहमुखी दी वधेरे वरतों कीती, जिहड़े स्थानक हिंदू जां सिख विश्वास वाले सन उन्हां ने सिद्ध मातृका शारदा टाकरी लंडे तों बाद गुरमुखी दी वरतों कीती। पंजाबी विच पहली रचना अदमार दी स्नेह रस है जो कि कई लिपियां दा विचरण है, जो कि 9वीं सदी के करीब की लिखी दसी जा रही है। 9वीं सदी तो बाद शाहमुखी विच बाबा फरीद दीआं रचनावां ते गुरमुखी विच गुरु नानक देव जी दीआं पटियां, पर अजोकी पंजाबी विच किस तरह के बदलाव आए ते 35 अक्षर कित्थों आए। डॉक्टर बूटा सिंह बराड मुताबक पंजाबी लिखण विच नफासत आई है ते बोलण विच रलावट। 35 अक्षरां का सब तो पहला सबूत गुरु नानक की पट्टी विच मिलता है, उस विच 35 ही अक्षर हैं। उस विच फर्क सिर्फ इन्ना है कि ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी वाली तरतीब वक्री सी, उस विच ऐड़ा ईड़ी ऊड़े लिखा जाता सी। बाद विच गुरु अंगद देव जी ने तरतीब बदल के ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी की। उन्हें अगे दस्या कि पंजाबी बोली विच कोई अक्षर अलोप तो नहीं होए, पर उस विच कुछ होर अक्षर शामिल हो गए क्योंकि फारसी दरबारी भाषा बन गई थी, उस विच कई रचनावां होईयां। जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा फारसी भाषा विच लिखिया, जदों इन्हां फारसी दीआं रचनावां नूं गुरमुखी विच लिखिया गया तां जिहड़े खखा जिजा फफा गंगा धुनियां विच सन लोकां ने सोचा कि उस नूं उसे वांग ही लिखिया जाणा चाहीदा है, तां उन्हां दे अगे पैर विच बिंदी लगा दित्ती गई। सस्से दे पैर विच बिंदी ला के शीशा भी पंजाबी विच शामिल होया सी। फिर जो शब्द जोड़कोश पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों बनाया गया तां लल्ले पैर बिंदी ला के भी शामिल कर दिता गया। पंजाबी भाषा के माहरां मुताबक 13-14 करोड़ लोग माँ बोली पंजाबी बोलते हैं। सब तो वध करीब 10 करोड़ पंजाबी बोलन वाले पाकिस्तान विच हैं। उस तो बाद 3 करोड़ के करीब भारतीय पंजाब अते करीब 1 करोड़ दुनिया के वख-वख हिस्सों विच जाके वसे हुए हैं। पंजाबी दीआं कुल 28 बोलियां हैं
जिन्हां विच 8 ज्यादा प्रचलित हन, पर इस दे नाल ही उन्होंने पंजाबी भाषा को खतरे होने की गल भी कही है। डॉक्टर जोगा सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि किसी भी भाषा को खतरा हो सकता, संस्कृत लतीनी वर्गिया वड्डिया भाषावां भी खत्म हो गई हैं। भारत में संस्कृत बोलने वाले सिर्फ 5,000 ही लोग बचे हैं। भाषा उदों खत्म होती है जदों उसकी वरतों के खेतरां में वरतों खुरनी शुरू हो जाती है। अज सब तो वड्डा माध्यम सिक्ख्या का माध्यम है, क्योंकि हरेक बच्चा स्कूल जा रहा है तो सिक्ख्या का माध्यम जो भाषा है वही उसकी पहली भाषा है। किसी अगली पीढ़ी में जाके उन्होंने बच्चों की मात भाषा बन जाएगी। बड़े दुख न कहना पैदा है कि लोगों के घर के नाम भी अंग्रेजी में लिखे होते हैं। देश में संपर्क भाषा की लोड़ हो लोग खुद ही बना लेंगे। स्कूलों में सहूलत दो, जिहड़ी भाषा सीखने की लोड़ है वह लोग खुद आप ही सीख लेंगे। यह दलील बड़ी ही खतरनाक है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा एक होनी चाहिए। भारत की संविधानिक राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। दरअसल पहला राष्ट्र भाषा होती है, फिर उसके आधार पर राष्ट्र बनते हैं। जर्मनी भाषा के आधार पर जर्मन देश बन गया, फ्रांसीसी बोलने वाले इलाके में फ्रांस बन गया। जे असी कह रहे हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए है तो मतलब यह कि असी मनते हैं भारत अजे राष्ट्र नहीं बनया। भारत में सारिया भाषावां की समानता संविधान तौर पर हरेक भाषा की समानता एक समान है। सो दोस्तों, ये सन साड़ी मां बोली पंजाबी बारे कुछ जरूरी तत्थ अते जरूरी दस्तावेज। सो तुहानू सब नू बेनती है कि अपने बच्चों नू वध तों वध पंजाबी सिखाया करो। बेशक उन्होंने स्कूलों में पंजाबी नहीं सिखाई जाती, पर साडा खुद का फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को पंजाबी भाषा में गलबात करिए। दूसरिया भाषावां भी सीखनिया जरूरी हैं, पर जिस तरह असी वीडियो में पहला भी कहा कि दूसरिया भाषावां जो इंसान जिवें दी उसकी जरूरत होवे वो अपने हिसाब नाल सीख लैंदा है, पर मात भाषा नहीं भुलनी चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो पूरी देखने लई तुहाडा धन्नवाद। अते इस तरह दीआं होर जानकारियां लई कृपा करके ब्रीफ पंजाब चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लवो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।